पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव के गढ़ाकोटा स्थित घर के बाहर से प्रशासन ने मंगलवार को अतिक्रमण हटाया। इस अतिक्रमण हटाने को लेकर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए। कांग्रेस के इन सवालों का जवाब गोपाल भार्गव के बेटे अभिषेक भार्गव ने दिया है। बंसल न्यूज से बातचीत में अभिषेक भार्गव ने कहा कि उन्होंने खुद सामने खड़े होकर अतिक्रमण हटवाया है ताकि संदेश जाए कि प्रशासन निष्पक्ष कार्रवाई करता है। जहां तक कांग्रेस के सवाल खड़े करने का मामला है, कांग्रेस नेता खुद अपने नेताओं के मान अपमान की चिंता कर ले। दरअसल गोपाल भार्गव के घर के बाहर से प्रशासन ने मंगलवार को जालियां हटाई थी जो पौधों को सुरक्षित करने के लिए लगाई गई थी। सागर के गढ़ाकोटा में पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव जी के बंगले के सामने से अतिक्रमण हटाने के मामले में कांग्रेस भले सियासत कर रही हो, लेकिन उसकी सच्चाई क्या है हम जानते हैं अभिषेक भार्गव जी से। अभिषेक जी, क्या सच्चाई है उसके पीछे? कहा जा रहा है कि एक पुराने खाटी संघी नेता, बीजेपी के नेता के घर से अतिक्रमण हटा दिया गया है, अपमान किया गया है। नहीं, देखिए, कांग्रेस के विषय में तो कुछ नहीं कहना चाहूँगा। तो पूरा देश जानता है कि कांग्रेस का क्या स्तर बचा है इस देश में और किस स्तर की वो बात करते हैं या क्या उनका एजेंडा है। और जहाँ तक अतिक्रमण की बात है तो लोकल में, नगरपालिका क्षेत्र में पिछले 4 दिन से यह मुहिम चालू है और कल उसको हटाने का काम शुरू हुआ था। मेरे घर के आसपास भी कई लोगों के शेड लगे हुए थे बेसिकली फुटपाथ पे, और बहुत पहले से वहाँ पे 4-5 पेड़ जो हम लोगों ने वहाँ पे प्लांट किए थे उनको बचाने के लिए एक जाली लगा रखी थी। तो जब वहाँ अतिक्रमण में अमला मेरे घर के पास में आया तो मैंने खुद उनसे कहा कि इसको आप हटा दीजिए, या तो मैं हटा दूंगा या आप हटा दीजिए, क्योंकि लोगों में यह मैसेज नहीं जाना चाहिए कि प्रशासन निष्पक्षता से कार्रवाई नहीं कर रहा है। चाहे मंत्री हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे आम जनता हो, या कोई भी हो, प्रशासन की नज़र में हर व्यक्ति निष्पक्ष होना चाहिए। और मैंने स्वयं कह के उनसे वह क्यारियाँ हटाने का अनुरोध किया था जिसे उन्होंने वहाँ पर हटाया है। ये बहुत स्पष्ट होना चाहिए कि क्या ये नाराजगी के कारण था या स्वेच्छा से कहा गया था ताकि मैसेज ये जाए कि सब बराबर प्रशासन की नज़र। नाराजगी का तो कोई विषय है नहीं। आप तो मतलब अगर मैं कुछ ये कहूँ कि मंत्री का कोई अतिक्रमण हटा सकता है तो आप भी उसको स्वीकार नहीं कर पाओगे। तो ये स्वेच्छा से ही था, क्योंकि लोगों में यह मैसेज जाना चाहिए कि हर व्यक्ति प्रशासन की नज़र में, शासन की नज़र में समान रूप से होता है, उसकी नज़र में सभी समान है। इसीलिए मैंने स्वयं तहसीलदार थे वहाँ पर, उनसे मैंने अनुरोध किया था कि आप इसे हट रहा है तो इसको भी हटा दीजिए ताकि सभी लोग उसमें एक सा मैसेज जाए कि निष्पक्षता से काम हुआ है। कांग्रेस ये कह रही है कि अपमान किया गया है सीनियर मिनिस्टर का, जबकि सीनियर समर्थक जो आए हैं उनको बीजेपी महत्व दे रही है, बाकी पुराने मंत्री उनका अपमान किया जा रहा है। मैं कांग्रेस से यही कहूंगा कि आप अपने नेताओं के मान सम्मान की चिंता करें। भारतीय जनता पार्टी में जो पद्धति है उससे आप कभी उसको समझ नहीं पाओगे, और जो परंपरा अब इस देश में है उस देश की परंपराओं से आप विमुख हो रहे हो, इसलिए आप रसातल में जा रहे हो। तो अपने मान सम्मान की चिंता कीजिए, हमारे भारतीय जनता पार्टी के परिवार में दखल मत दीजिए। तो निश्चित रूप से अतिक्रमण को किसी अपमान के जरिए नहीं हटा गया था, बल्कि स्वेच्छा से भार्गव परिवार ने कहा था कि एक जैसा मैसेज जाना चाहिए कि जिला प्रशासन निष्पक्ष है, इसलिए उस अतिक्रमण को खुद सामने खड़े होकर हटवाया गया। उन्होंने कांग्रेस से कहा है कि अपने आप मान अपमान की चिंता अपने घर में करिए, बीजेपी परिवार एकजुट है। कैमरन भरत के साथ जुगल किशोर शर्मा, बंसल न्यूज़, भोपाल। तो पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं गोपाल भार्गव, जिनके घर से अतिक्रमण हटाने को लेकर अब सियासत शुरू हो गई है। अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ कांग्रेस से प्रवक्ता अजय सिंह यादव और नेहा बग्गा बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रही हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है बंसल न्यूज में। नमस्कार जी। नमस्कार। तो पहला सवाल मेरा अजय सिंह यादव जी से है। यादव जी, क्या कहेंगे? देखिए, यदि निष्पक्ष कार्रवाई प्रशासन द्वारा की जा रही है तो उसमें समस्या क्या है, सियासत क्यों? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में अब केवल और केवल सिंधिया समर्थक नेताओं को तवज्जो दी जाती है, वो उन्हीं के सारे काम किए जाते हैं। अभी मैं गोपाल भार्गव जी के पुत्र की बात सुन रहा था, हास्यास्पद बात लग रही थी। आप कह रहे हैं मैंने स्वयं अपना अतिक्रमण हटवाया। स्वयं अतिक्रमण जिसका होता है वो अपने खुद के संसाधनों से हटाता है। नगर निगम का या नगर पालिका अतिक्रमण दस्ता स्वयं का किसी का अतिक्रमण हटाने नहीं आता है। अजय जी, यही तो संदेश था कि प्रशासन द्वारा ये कार्रवाई की गई, वो भी निष्पक्ष। देखिए, जब निष्पक्ष और स्वेच्छा से कार्रवाई होती है तो भूस्वामी स्वयं अपना अतिक्रमण अपने संसाधनों से हटाता है, और जब नगर पालिका हटाता है
तो उसको माना जाता है कि आपने अवैध अतिक्रमण किया और आप स्वयं हटाने के लिए तैयार नहीं है, उसी स्थिति में नगर पालिका या नगर निगम का दस्ता अतिक्रमण हटाता है। ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि कोई व्यक्ति कह रहा है कि हम तो स्वयं हटवाना चाहते थे इसलिए हमने नगर पालिका को बोल दिया हटाएं। और दूसरी बात, अगर आपने स्वयं स्वीकार किया कि अवैध अतिक्रमण था तो आपने ये अवैध अतिक्रमण किया क्यों था और 15 साल तक अगर मालूम था कि अवैध अतिक्रमण है तो किया ही क्यों गया था अतिक्रमण? देखिए प्रेरणा जी, आजकल कांग्रेस की जो स्थिति है वो बहुत कंफ्यूजन वाली है। अतिक्रमण जब जब हटाया जाता है, कोई कांग्रेस ही वहां से निकलता है अतिक्रमण किए हुए, तो ये रोने लग जाते हैं, कहीं पर ये माफियाओं के सपोर्ट में उतर जाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के नेता के सपोर्ट में आकर, वो भी जहां पर अतिक्रमण नेता द्वारा नहीं किया गया है, सड़क के चौड़ीकरण के लिए जाली हटाने का काम अमले ने किया, जिसमें स्वयं गोपाल भार्गव जी का कंसेंट है, अभिषेक भार्गव जी का मैसेज आ रहा है, आपने 22 भी सुनाई कि उन्होंने स्पष्ट किया कि अतिक्रमण जब हटता है तो जनता के बीच में मैसेज जाना चाहिए कि कहीं पर भी किसी भी स्थान पर अगर अतिक्रमण है तो उसको हटाया जाना चाहिए, सब एक समान है कानून की नजर में। लेकिन सवाल तो यही है ना नेहा जी, यदि मालूम था कि वो अतिक्रमण है तो उसे किया ही क्यों गया था? कि वो अतिक्रमण नहीं है, मैं आपको वही बता रही हूँ, वहाँ पे सड़क चौड़ीकरण का काम चल रहा है, एक ग्रिल लगी हुई है, ग्रिल को हटाकर वहाँ पर सड़क चौड़ीकरण का काम हो रहा है, जिसमें कि सबका कंसेंट है, वहाँ के लोगों का कंसेंट है, नेताओं का कंसेंट है, आम जन का कंसेंट है। कांग्रेस की समस्या ये हो गई है कि इनका कंफ्यूजन है कि ये अतिक्रमण में अगर इनके लोग हैं तो ये वहां रोने लग जाते हैं, अगर किसी और माफिया के सपोर्ट में उतर जाते हैं, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के नेता के जबरदस्ती का सपोर्ट ये जो एक्सटेंड कर रहे हैं, जो मांगा नहीं गया, जहाँ पे अतिक्रमण है नहीं, उसमें ये अपनी राजनीति तलाशने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल, अजय सिंह यादव जी जवाब दीजिए। देखिए, झूठ बोलने से सच झूठ में नहीं बदल जाएगा। जब शासकीय भूमि या शासकीय रोड के लिए भूमि ली जाती है तो सरकार मुआवजा देती है। ये सरकारी भूमि पे अवैध अतिक्रमण था, लगभग 17 सालों से कब्जा था, जाली लगा के कब्जा किया गया था। नेहा जी झूठ बोल रही हैं चैनल पे, इस तरह का झूठ नहीं बोलना चाहिए किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति को। मैं नेहा जी को चुनौती देता हूँ, कागज दिखा दीजिए गोपाल भार्गव जी के, अगर वो कब्जा नहीं था तो। आप झूठ बोल रही हैं चैनल पे, इस तरह का बर्ताव नहीं होना चाहिए। अतिक्रमण था और स्वेच्छा से नहीं हटाया गया, नगर पालिका के अतिक्रमण दस्ते ने जबरदस्ती जालियां तोड़ के हटाई हैं। उस समय गोपाल भार्गव और उनके पुत्र कोई भी उपस्थित नहीं थे कब्जा हटवाने के लिए। चलिए, छोटी प्रतिक्रिया नेहा जी से लेना चाहूंगी। नेहा जी क्या कहेंगे, बड़ा सवाल आपसे भी पूछा गया है। प्रेरणा जी देखिए, आपने भी सुना होगा एक बहुचर्चित साइटेशन है सुप्रीम कोर्ट की, मेहता वर्सेस कमलनाथ जी का, जहाँ पर उन्होंने अपने रिजॉर्ट को फायदा पहुंचाने के लिए प्रकृति को इतना नुकसान पहुंचाया कि सुप्रीम कोर्ट ने तक उनको फटकार लगाई कि आपने प्रकृति के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ किया है, नदी का रुख बदल दिया अपने रिजॉर्ट को फायदा पहुंचाने के लिए। तो कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के आला नेता जो है वो अतिक्रमण करने में एक्सपर्ट है, और अतिक्रमण के लिए जहां पर उसके खिलाफ कार्रवाई होती है, जहां पर शासन प्रशासन करता है, जहां पर गोपाल भार्गव खुद साथ में खड़े हैं, उनके सुपुत्र खुद साथ में खड़े हैं, तो कांग्रेस पार्टी कंफ्यूजन के मोड में है। एक तरफ अजय सिंह यादव जी कह रहे हैं कि अतिक्रमण हुआ था, अतिक्रमण हटाया गया, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि उनकी मर्जी के बना किया गया। वहां पे के मिश्रा जी का अलग बयान आ रहा है, इनके वरिष्ठ नेताओं का अलग बयान आ रहा है, तो इनसे बड़ा अतिक्रमणकारी कोई नहीं है। चलिए बिल्कुल, कांग्रेस पर भी एक आरोप लगा दिया है भाजपा द्वारा कि कांग्रेस से बड़ा अतिक्रमणकारी कोई नहीं है। हालांकि आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहेगा। आप दोनों का ही बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बता दें कि पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव के गढ़ा कोटा स्थित घर के बाहर से प्रशासन ने मंगलवार को अतिक्रमण हटाया, जिसे लेकर बेटे अभिषेक भार्गव ने कहा है कि प्रशासन द्वारा निष्पक्ष कार्रवाई का ये एक संदेश है।